25 दिन बीत जाने के बाद भी फेरी करने गए नवयुवक का नहीं लगा कोई सुराग। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बता दें कि बीसलपुर के गांव परासी रामकिशन का नवयुवक साइकिल पर घरेलू चीजें रखकर बिक्री करने के लिए गया था। इसी दौरान पतरासा कुंवरपुर से अचानक गायब हो गया, जिसके बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना बीसलपुर कोतवाली में दे दी है। परिजनों के मुताबिक बीसलपुर पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और न ही युवक का कोई पता चला है। बताते चलें कि बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव परासी रामकिशन के इतबारी लाल मौर्य का 16 वर्षीय बेटा गोपाल मौर्य 2 अगस्त को साइकिल से झाड़ू बाई पर आदि लाद कर रोज की भांति गांव-गांव फेरी करने के लिए निकला था, जो घर वापस नहीं लौटा, जिसका आज 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने रिश्तेदारी समेत कई जगह उसकी खोजबीन की, लेकिन गोपाल मौर्य का कोई पता नहीं चला। 25 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद भी बेटे का कोई पता न चलने से माँ समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले में बीसलपुर कोतवाली पुलिस की उदासीनता भी देखने को मिल रही है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा 25 दिन से लापता होने के बावजूद बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। बेटा कब से गायब है? 2 तारीख से। अच्छा, साइकिल मिली उसकी नहीं मिली? कुछ ना पता लगा, कुछ भी। अच्छा, लड़का करता क्या था? अच्छा, झाड़ू वाइफर बेच के अपने परिवार का गुजारा करता था। नाम है भाई साहब? दिवारी लाल। कहाँ रहते हो? परासी राम के। क्या दिक्कत आ रही? लड़का हमारा गायब है। कब से गायब है? 2 तारीख से। लड़का कहाँ गया था? पतरासी में। क्या करने गया था? फेरी करने गया है। अच्छा, फेरी का काम करता था। 2 तारीख से अभी तक घर वापस नहीं आया। तो आपने किसी को सूचना नहीं दी इस विभाग में? थाने में सूचना दी।